हेलो फ्रेंड, नमस्ते, जय माँ ज्वालपा। कैसे हो आप सब? आई हो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। हमें भी बढ़िया। मैं नहा धो के पूजा पाठ करके किचन में आ गई हूँ और घर का मेरा सारा काम हो गया था। आज हमने खूब अच्छे से सफाई करी है घर की और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 8 बजे से। और हम उठ गए थे जल्दी, आज संडे था, 6 बजे के करीब उठ गए थे। लेट ही उठे, मतलब ऐसे तो मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। तो आज हमारी बहुत सारी साफ सफाई हुई है और अब मैं नाश्ता बनाने आ गई हूँ। तो बेटा कह रहा मैं कुछ मंगा रहा हूँ बाहर से, कह रहा रोज रोज हम अपने घर की रसोई का खा रहा है, तो मैंने कहा चलो मंगा लो। और इधर मेरी दाल मखनी उबल रही है और इधर चावल के लिए पानी बॉयल हो रहा है, तो इसमें डालती हूँ मैं अब चावल और ये दाल मखनी करे नाश्ता। बेटा बाहर से मंगा रहा, पता नहीं क्या क्या मंगा रहा था इसने, तो कह रहा बेदवी पूरी और डोसा है, तो देखते हैं। अभी जरा मैं गैस, वैसे तो मैंने साफ कर दिया, लेकिन ये चूल्हे ना अभी इतना खाना बनता है तो इसको मैं जरा रगड़ती हूँ। लोहे के जूने मैंने रखे नहीं है क्योंकि ना उनके टुकड़े टुकड़े गिरते हैं, तो वो मैंने हटा दिए, प्लास्टिक वाले हैं और स्पंज वाला, तो इसको जरा साफ करती हूँ, इसको रगड़ती हूँ। ये मैंने सुबह उठ के वहीं से ही साफ करा था एक बार, तो ये अब रगड़ूंगी आराम से क्योंकि नाश्ता बनाना है नहीं। पानी उबल गया, इसमें चावल डालती हूँ। और ये देखिए हमारी आज हमने पूरी धुलाई करी है, यहाँ से लेके पूरी सोपे वगैरह हमने सब साफ कर दी, सेट साइड कर रखी है, पूरी धुलाई करी है, पूरा ये साफ करे हैं, पंखे वगैरह साफ करे। ये ऊपर का सफाई पंखे वगैरह ये मेरे हस्बैंड ने करे हैं साफ, ये भी झाड़न जोड़न पूरा इसमें ये उन्होंने ही करा है साफ, मैंने सिर्फ फर्श की और इसकी धुलाई के पानी डाल के वाइपर से रगड़ा है। और इधर भी धुलाई करिए, इधर का पानी भी हम अंदर ही लाए हैं। और ये पेड़ पौधों के पत्ते साफ कर रही हूँ मैंने, इनके पत्ते साफ नहीं, इनके पत्ते मैं कपड़े से साफ करती हूँ क्योंकि ना बहुत मिट्टी जमती है, तो हफ्ते में एक दिन करती हूँ मैं। अभी कपड़ों की सारी तय करके वहीं रखे हैं, ये रात को धोए थे मैंने, डाल देते रात को और सुबह में ले आए हम नीचे। तो आज हमारी पर्स बहुत क्लीन हो रखी है, यहाँ तो बिल्कुल अंधेरा कर रखा है। किचन की भी यहाँ की धुलाई करी, ये मैंने पूरे रैक साफ करे हैं। ऊपर के तो 15-20 दिन में एक बार करती हूँ मैं क्योंकि ऊपर इतना गंदा नहीं होता, क्योंकि 24 घंटे चिमनी चलती है, पर ये नीचे के डेली साफ होते हैं। लेकिन आज मैंने सर्फ के पानी से रगड़े हैं। चलो चावल डाल दूँ, इसमें मैंने चावल डाल दिए हैं और ज़्यादा हो गए हैं, अब इसका मांड निकालना है। अभी एक पतीला दिन में बने, कई बार तो दो, इसने बड़े पतीले में 2-3 बार बन जाते हैं, तो ये मैंने आज इसे 8 बजे इसलिए बना रही हूँ क्योंकि 2 ऑर्डर हैं, तो उसमें हमें चावल देने पड़ते हैं 9:30 बजे। इसलिए ये दाल मखनी है, ये मेरा छोटा सा फैनू बहुत राहत देता है, ये पंखा बहुत राहत। ये मेरे सुंदर सुंदर पेड़ पौधे हैं। ये आ गया है हमारा नाश्ता और नाश्ते में आ रखा है डोसा, छोले और भटूरे। छोले भटूरे देखो कितने मस्त हैं, ये चटनी, ये अचार और सलाद, ये भी छोले, सांभर, ये सांभर है, ये हमारी चाय है। चलो खाते हैं, आज इन्होंने ये ऑर्डर कर दिया, हम तो खाएंगे रोटी, इसमें है रात की रोटी, रोटी खाएंगे हम। आप लोग भी आइए नाश्ता करने के लिए, हम भी करते हैं नाश्ता, मिलते हैं नाश्ते के बाद। यहाँ पे बना रही हूँ मैं कड़ी पकोड़ा, तो कड़ी मैंने बना दी है, तो अब बनाती हूँ पकोड़े। पकोड़े आज मैं, और दिन हम मिक्स बनाते थे,
छोटे छोटे। आज मैंने 1 घंटे से बेसन घोल रखा है, इसमें भी नमक नहीं डाला क्योंकि नमक से ना पानी छोड़ देता है। तो आज मैं बना रही हूँ छोटे छोटे बेसन ही बेसन के पकौड़े। वैसे इसमें ज़्यादा बेसन लगता है पर कभी कभी, और हमारे सेब तो मिक्स बनाते हैं, आलू प्याज के मिक्स बनाते हैं, लेकिन कभी कभी ना कोई बिना प्याज के भी मांगता है, बिना प्याज लहसुन का। तो पकौड़े बना देते हैं हम बिना प्याज लहसुन का। और इधर उबल रहे हैं मैंने दाल मखनी, मैंने उबाल दिए, अब इसमें उबल रहे हैं छोले। चिमनी चला देती हूँ, बड़ी गर्मी हो रही है। और इधर बना दिए हैं मैंने चावल, ये दाल मखनी उबाल के मैंने इसमें रख दी है, और ये बना रखे हैं मैंने चावल मांड निकाल के ही बनते हैं चावल। और अभी तो ये 1-2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, और भिगा रखे हैं मैंने, और ज़्यादा भी बना रखे हैं। और सारा सामान मैंने साइड लगा रखा है, बीच में बिल्कुल खुला कर रखा है, खाने के लिए पानी ज़्यादा लग गया है। चलो फिर बनाती हूँ, तेल भी गर्म हो गया है। ये बन रहे हैं मेरे बेसन के पकोड़े, और पता नहीं ये पकोड़े ऐसे क्यों फूल रहे हैं, क्योंकि मैंने 1-2 घंटे पहले से इसका मसाला तैयार कर दिया था। ये देखो चम्मच से डालू, छोटे छोटे इस चम्मच से डालू, देखो इस चम्मच से आधा आधा डालू, इतने बड़े बड़े ऑर्डर पे जाते हैं ना कड़ी पकौड़ा। चलो कोई नहीं, वो भी खुश हो जाएंगे खाने वाले। पर फिर अगर डीलक्स थाली में या मिनी थाली में ऑर्डर करेंगे उसमें ढक्कन नहीं लगेगा, अब उसके लिए मुझे और छोटे करने पड़ेंगे। टेस्टी टेस्टी क्रंची क्रंची पकौड़े फ्रेंड्स। तो आज आया हमारे घर में न्यू मेंबर, हमारा नया एसी, तो आज ही लाए हैं हम, और आज ही हमने फिट करा है। और बाहर के कमरे में तो स्पिरिट वाला है, पर स्पिरिट वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि पता क्या, स्पिरिट वालों में बहुत दिक्कतें आती हैं। और विंडो एसी जो हमारा पहले वाला था, 18 साल तक इतनी कूलिंग करी उसने, और सिर्फ 2 बार, 1 बार की गैस भराई थी हमने 14-15 साल में। उसके बाद फिर दोबारा ख़त्म हो गई थी जब पिछले साल जब हमने उसे दिया है, फिर हमने वो बेच दिया, फिर ये हम नया वाला ले आए हैं। ये देखिए, क्योंकि अंदर बाहर हमारा किचन में काम चलता है ना बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे हम स्पिरिट वाला एसी है वो तो हम कम ही चला पाते हैं, फिर जब बंद होता है काम तो तभी चलाते हैं। तो गर्मी लग रही थी, फिर हमने अंदर ये मंगा दिया, तो 2 तो चाहिए ही थे, 1 अंदर और 1 बाहर। तो ये देखिए आज ही मंगाया, और आज ही फिट वगैरह करके पूरी अच्छे से। और फिर मेरा मंदिर था यहाँ पे था मंदिर, यहाँ पे टरोली उसके ऊपर, लेकिन मैंने अब ऐसे कर दिया मंदिर मैं नया लाऊंगी ऐसे ही, इसी के साइज का लाऊंगी मैं, बड़ा सा लंबा, जो नीचे रैक होंगे और ऊपर मंदिर होगा ना। तो अभी मैंने फिलहाल इसी को यहीं पे इस टेबल में स्टैंड में लगा रखा है, टेबल वाले स्टैंड में। तो देखिए, तो बैठ के पूजा करेंगे हम, अभी यहाँ पे बैठ के पूजा करेंगे जब तक मंदिर आता है। मंदिर में काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ नया मंदिर, थोड़ा सा लंबा हो जो हाइट में, ऐसा जो दीवारों पे सेट रहते हैं ना, तो जगह की कमी है, तो यहाँ पे इस दीवार पे ऐसे में सेट करूँगी मैं, ऐसे में सीधे में। तो काफ़ी बड़ा सा लेके आऊँगी मैं, जिसपे नीचे आलमारी टाइप की बनी होगी, ऊपर मंदिर बना होगा और दरवाजे वाला। तो ये फिर हमारा न्यू मेंबर, ये इसकी बहुत ज़रूरत थी, बहुत ज़रूरत। तो आज हमने इसका उद्घाटन भी कर दिया, अभी ये फिट कराया था हमने 4-4:30 बजे के आसपास, उसके बाद से चल ही रहा है। तो फिर अच्छा है, अब गर्मी नहीं लगेगी, वैसे हमारा टॉप फ्लोर है और हम लोगों के किचन में खाना बनता रहता है। तो ये है हमारा ये वाला रूम, लाइट बंद कर दे, नहीं दिया बत्ती कर दिया है, तो अंधेरा नहीं करेंगे।
छोटी लाइट जला के रखेंगे ये वाली। इधर हमारे सैफ साहब चटनी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो बनाएंगे चटनी धनिया, ये मिर्च इसको साफ करके इसकी चटनी बनाएंगे। पुदीना भी है ना, पुदीना ये है, और इसकी साफ करके चटनी बनाते हैं। और राजमा चावल और छोले चावल के साथ देनी पड़ती है ना, तब इसकी चटनी बनाते हैं। अच्छी सी खूब सारी बनाना, ठीक है। अब हमारे सैफ साहब डिनर की तैयारी कर रहे हैं, अभी ऑर्डर आएंगे तो उनकी तैयारी कर रहे हैं। ये पीछे बर्तन बना बना के ठंडे करने रखे हैं, चावल बना दिए दोबारा। मोटर चल रही है, मोटर की आवाज आ रही है, बच जा लो माती है, फोन भी ले जान माती है ना, अपुड़ अपुड़। और जाते हैं हम थोड़ा देर छत में टहलते हैं, नीचे जाने का तो टाइम लगता है नहीं, तो छत में जाएंगे। छत में घूमते हैं हम, लाइट बंद कर देनी बैरोल तक ना, किचन है तक खुला जा, अंदर छोटी जल रही है। चलो फिर छत में चलते हैं, और यहाँ पे चल रही है मोटर, पौधे मेरे काफी अच्छे हो गए, बड़े हो गए हैं। जिस दिन बारिश आएगी ना सबको बाहर रखूंगी, उनके पत्ते अच्छे से धुल जाएंगे। देखो ये कितना बड़ा हो गया, ये गाय के लिए गोभी के डंठल रखे हुए हैं, ले जाना भूल गए हैं, तो इसको शाम को ले जाएंगे। मोटर चलते हैं, आ गए पानी डाल के। समी के पौधे देखो कितने सारे आ रहे थे, कितने सारे पेड़ आ रहे थे, बेल भी हो गई है। मैं इसका ना बेल का नाम भूल जाती हूँ, दोनों दरवाजे का। ये मैंने पूरा थैला भर रखा है थैलों से, जो भी सब्जियां आती है ना तो थैले कब वो ले जाएंगे, कल भैया तो पूरा लेके जाते हैं। गर्मी में मैं थोड़ा थोड़ा पौधे नीचे ले आई हूँ, क्योंकि ऊपर देखना ये सूख गया था जब हम गांव गए थे, लेकिन अभी इस पे ना पत्ते आ गए हैं। ओहो मेरी ग्रीन टी, फिर तो पौधों वगैरह को मैंने पानी दे दिया है। अब मैं थोड़ा घूमती हूँ, और ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आए, पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, और जो चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब करना। तो बाय बाय, टेक केयर, जय माँ ज्वालपा, अपना ध्यान रखना, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी, गुड नाइट।